कुछा जी, 23 तारीख को शाम को 8 बजे आप कहाँ थी? जिम में। आपके घर में चाकू मिसिंग कैसे है? मैं चाकू रखती ही नहीं हूँ अपने घर में, कुछ काटने को है ही नहीं ना घर में। आपके घर के बाहर के फ्लोर मैट पे खून के निशान है। खून नहीं है वो, फिर जूस है। बीटरूट जूस? बीटरूट जूस पियेंगे आप? पुष्पा साहब के लिए बीटरूट जूस लाइए। दोस्तों इतने एपिसोड हो चुके हैं, क्या तुमको यकीन था? नहीं था। क्या मुझे यकीन था? बिल्कुल नहीं था। क्या ये नेटफ्लिक्स को था? वो तो बिल्कुल ही भी नहीं था। वेलकम टू कीपिंग इट कुल्लू, ये वही शो है जिसमें हम सुपर कूल चीज़ों के ट्रेलर देखते हैं, अपने और सुपर डुपर कूल दोस्तों को बुला के उनसे समझते हैं कि ट्रेलर में हो क्या रहा है और बन जाते हैं एकदम अंतर्यामी। आज जिस फिल्म का हम लोग ट्रेलर देखने वाले हैं, वो फिल्म का नाम है जाने जा। फिल्म में भय भरपूर ड्रामा और बॉलीवुड की पिक्चर है। हमने सोचा कि भाई बॉलीवुड और ड्रामा का समागम क्या हो सकता है, तो हमारे जीवन में अवतरित हुई बेहतरीन ड्रामा और बॉलीवुड का कॉम्बिनेशन लेके कुशा कपिला जी। कुशा कपिला जी, आपका स्वागत है। कैसी हैं आप? सो मच। उस इंट्रो के बाद तो आपका आरटीजीएस हो चुका होगा आपका। कितना अच्छा आपने इंट्रो दिया। एक्चुअली देव जस्ट कॉल्ड मी टू सी इफ कीपिंग इट विद कुल्लू एंड कुशा मेक सेंस। एक बार यहाँ पे करके देख लेते हैं, यहाँ पे इफ इट्स मेकिंग सेंस। आई थिंक दिस कैन बी द शो मूविंग फॉरवर्ड। गरीब की दुकान खाना चाहती हैं आप? आप दो दो पिक्चर आ रही हैं आपके, आपको चैन नहीं है? ये शो भी खाना चाहती हैं आप जिसमें आइसक्रीम खा रहा गरीब आदमी? ऐसा नहीं है यार कुल्लू, एंड ऑल्सो लाइक आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विद यू, यू आर सो स्मार्ट। मीठे और तीखे का क्या कॉम्बिनेशन है यार, ये तो टॉर्चर है आइसक्रीम खाना है। इसमें उन्होंने मिर्च डाली हुई है फॉर सम रीज़न। ये अमीर लोगों का है क्या कुछ की मीठे के साथ तीखा कर दो आप? आई डोंट नो, मेरा तो बिल्कुल ये पैलेट नहीं है। पैलेट बोलते से अमीर हो चुकी है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। कोई नॉर्मल आदमी का आपने कभी बोलते हुए सुना? स्टेप्ड इनटू दैट वन, आई वाज सो स्टूपिड। भाई लोग आज नए सीख के जा रहे हैं, कीपिंग इट कुल्लू नहीं सीखते। दोस्तों कहीं भी तुमको किसी बर्थडे पार्टी में जाओ, वहां पे पूछेगा समोसे कचौड़ी, कहना इट्स नॉट माय पैलेट। अरे पर ऐसे आइसक्रीम में कौन मिर्च डालता है यार, पता नहीं। तेरे लगाए उसे। भाई साहब ये घर भी है और रेस्टोरेंट भी लग रहा है मुझे। टिफिन टिफिन और क्या भी होगा, टिफिन मतलब और क्या ही हो सकता है टिफिन। हाँ टिफिन नाम से कोई भाई स्कूल खोल ले तो खराब लगे ना। टिफिन स्कूल, लंच ब्रेक में पढ़ाई होती है। आप ठीक है? पहचाने आप? अरे ये तो मेरे मौसा जी जैसे लग रहे हैं। नहीं बट सच्ची लग रहे। I feel so bad for the मौसी। Actually लग तो मेरे पापा जैसे रहे हैं, मेरे पापा के। I'm sorry। भगवान। नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कॉकरोच घर में घुस गया था, आने की कोशिश कर रही थी। When you ask us when we are PMSing, आप ठीक हैं? अंदर ये चल रहा था। अच्छा 100% हमारे यूटरस में यही और ओवरीज में यही सब। हां और ऊपर से नहीं नहीं, आई कैन कम टू कॉल ऑफिस, कोई दिक्कत नहीं है। नो नो, आई एम नॉट ओवर रिएक्टिंग, व्हाट आर यू सेइंग? नो नो। आपने कभी कॉकरोच मारा है खुद से? द ओनली वे टू डील विद द कॉकरोच इज टू लीव द हाउस एंड लीव द सिटी एंड लीव द कंट्री। इसलिए दिल्ली छोड़ गए आप? कॉकरोच ने क्या था वहां पे मुझे मारती? हां कॉकरोच को आपने मारती? Bro, what are the chances? कौन सा? इसके पुराने दोस्त लग रहे हैं या? मुझे लग रहा है बड़े भाई के दोस्त थे ये। अच्छा। हाँ। तो ये उनको उस दर्जे से जानते हैं कि मेरे बड़े भाई साहब के दोस्त हैं। हाँ, ये बड़े भाई और ये लोग आते थे और कमरे में छुप जाते थे और हम मेरे को अंदर नहीं आने देते थे। हाँ। और ये आपको थोड़ा डांट भी सकते हैं, क्या कर रहे हो आजकल? हाँ, क्या है? क्या ये इंस्टाग्राम पे 2:30 बजे क्या स्टोरीज डालते रहते हो? जबकि वो खुद डाल रहे हैं। और तन्मय का रिश्ता है। हाँ बड़े हाँ, भाई साहब के। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली सही कह दिया आपने। तो तन्मय भाई की भी हेयरलाइन जा ही रही है थोड़ी बहुत। भाई यहाँ कैसे कलिम्पोंग यार, किसी को खोज रहा हूँ। कैसे ढूंढा मुझे? वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक हाउ हमारी सांस रुक जाती है फॉर करीना कपूर। वुमेन आर वेरी हॉट फॉर विजय वर्मा, वी नीड टू एड्रेस दैट। ये वी हैव बीन एड्रेसिंग इट लाइक इन द लस्ट स्टोरीज एपिसोड आल्सो एंड दिस आल्सो। ये विजय भाई ने कर रखा है कुछ क्रैक, कुछ अलग ही कर रखा है, कुछ अलग तरीके से भाई उनको देखा जा रहा है लोगों के द्वारा। ओहो, ढूंढने से तो भगवान भी मिलते हैं। गुड इवनिंग मैम, करण आनंद मुंबई पुलिस, आप इन्हें पहचानती हैं? माया डिसूजा, जानता है क्या उसे? माया डिसूजा, नाम में मतलब
एक कहते हैं ना शौकिया है। आपको किसी आपके फ्रेंड ने आके बोला कि यार ये आपकी फ्रेंड बहुत सुंदर है, क्या कुछ हो सकता है? हाँ मतलब बहुत बार बोला है, तो बोलते ही है मतलब। बट लेकिन आपका क्या रिएक्शन होता है? डू यू प्ले द क्यूपिड और यू लाइक ये खुद का जो करना है? अगर मुझे अपने पर्सनल लेवल पे लड़का अच्छा लगेगा तो आई 100% विल प्ले द क्यूपिड। अच्छा, पर आई थिंक लड़कों में ऐसा नहीं होता। लड़कों में अगर आप भेजते हैं तो वही अपनी सेटिंग करा के आ जाता है। आप लोग कितना ब्रो कोड को रिस्पेक्ट करते हैं, मैं आज जानना चाहूंगी। ये ब्रो कोड जो बोलते रहते हैं, बातें दुनिया की सारी, ब्रो कोड से बड़ा झूठ नहीं पूरी दुनिया का, साफ बात। अच्छा, तो फीमेल फ्रेंडशिप्स के बारे में कहूंगी कि सिस कोड हमने चलाया तो नहीं टर्म, पर हमारा बहुत विश्वास है सिस कोड में। क्या बात, सही बात। तो अगर आपको मेरी कोई दोस्त पसंद आती है कुल्लू, तो आप मुझे जरूर बताएं। आपकी दोस्त की कोई दोस्त पसंद आती तो तब भी हम करा देंगे। हमारा है मतलब दोस्त की दोस्त। शुक्रिया। तेरी हॉट पड़ोसी फिलहाल मेरी हॉट सस्पेक्ट है। ये एंगल भी आना जरूरी था। आपके लिए हॉट पड़ोसी? मैं सरकारी क्वार्टर में पड़ा हुआ हूँ। यू गाइज नो इट ऑल। बट अगर हॉट पड़ोसी हो तो हॉट पड़ोसी पे मारने के लिए पिकअप लाइंस क्या हो सकती हैं? मैं तो बहुत नहीं हूँ एक्चुअली। क्यों यार? मुझे डेटिंग करना एक्सपीरियंस है नहीं, तो आप मुझे बताएं अगर। हाँ। क्योंकि मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ, अगर मेरे एक्चुअली सामने वाले घर में कोई आया नहीं है अभी। आ सकता है कोई? हाँ। एकदम हॉट। हाँ। क्या करना चाहिए मुझे, मेरा फर्स्ट मूव क्या होना चाहिए? भाई साहब चीनी है क्या? चीनी चीनी भाई, तो रिश्तेदारी ऐसे बढ़ाई जाती है ना, चीनी मांगने जाता हो ना आदमी, फिर पहले शुगर मांगते हो, फिर शुगर डैडी मांगते हो। मुझे तो याद भी नहीं पहले कब इतना मजा आया। That's what she never said. Yeah. हर चाल सोची भी। और सब आपको बहुत पसंद भी करते हैं, मैं भी। सब आपको पसंद करते हैं, मैं भी। मेरे को लग रहा है ये लोनली है बेचारे अपने जीवन में। इनका परिवार वगैरह है नहीं, स्कूल में टीचर है, अफेक्शन की थोड़ी सी कमी है। पर आपको लगता है कि मतलब फ्रेंड जोनिंग का लांछन लड़के पे बहुत जल्दी लग जाता है, इसलिए पूछ रही थी कि ये फ्रेंड जोन हो रहे हैं? नहीं नहीं, फ्रेंड जोन का लांछन क्या लगेगा? फ्रेंड जोन आदमी तब होता है जब वो बंदी को पहले गर्लफ्रेंड जोन कर चुका होता है अपने ही दिमाग में। हां, तेरे को किसने बोला था गर्लफ्रेंड जोन करने का? ये पहली बार मैंने एक बहुत ही ब्राउनी पॉइंट्स बैलेंस टेक देखा है फ्रेंड जोनिंग पे। आई रियली अप्रिशिएट यू दैट। ग्रीन फ्लैग कुल्लू का, यहाँ पे एक ग्रीन फ्लैग लगा दें यहाँ पे एडिटर साहब प्लीज। वैसे तिस जगह सीधी सादी पारिवारिक औरत है, शायद है शायद नहीं। एक गाना सुन के चलें प्लीज प्लीज। माय ऑनलाइन ऑर्डरिंग बिल्स। All my messages and I ask Mumbai people to make plans. बॉम्बे का ऐसा कि आदमी बोला कल मिलते हैं कल शाम को। हाँ। और उसके बाद आपसे मिलेगा वो 8 साल बाद। मुंबई के लोग क्यों नहीं आए? तू क्यों नहीं मिल रहा है मुझसे? तू मुझसे कुछ 3 हफ्ते बाद मिल रहा है, क्यों कुल्लू? मिलते मिलते कल मिलते। मैं जानता हूँ मैंने क्या देखा है नारू, ऐसा कुछ नहीं हमारे बीच में। यही होता है जब वो लड़का आपको बोलता है, आपका बेस्ट फ्रेंड आपको बोलता है जाके सेटिंग करा के आ मेरी बंदी से, और फिर वो बोलता है कि मैंने देखा है तुम्हारे बीच में क्या हो रहा है। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि आपकी क्रश को आपका मतलब बेस्ट फ्रेंड दे गया हो? गॉड, वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट इट, यू नो, बिकॉज लाइक आई फील लाइक सम वूंड्स आर वेरी डीप एंड मे बी यू हैवन डेल्ट विद इट एंड आई जस्ट शेयर माई थेरेपिस्ट नंबर विद यू, इट्स ओके, वी विल मूव ऑन। जस्ट दैट गाय वाज द थेरेपिस्ट ओनली। बट लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इंटरोगेशन किसी का आप करने जाओ तो थोड़ा तो टेंशन है, मतलब टेंशन है आपको लगता मतलब थोड़ा रोमांस डेवलप हो तो सकता है वैसे। आपको लग रहा है? मैं तो लग सकता है मुझे। Do you want to interrogate me and I can try? कुछ जी 23 तारीख को शाम को 8 बजे आप कहाँ थी? जिम में। आपके घर में चाकू मिसिंग कैसे है? मैं चाकू रखती ही नहीं हूँ अपने घर में, कुछ काटने को है ही नहीं ना घर में, ना मैं फ्रूट खाती हूँ, ना मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, और करती भी हूँ तो उस पर केक तो बिल्कुल नहीं आता है। आपके घर के बाहर के फ्लोर मैट पे खून के निशान? खून नहीं है वो, फिर जूस है। क्या बात कर रहे हैं आप? बीटरूट जूस। बीटरूट जूस पियेंगे आप? पुष्पा साहब के लिए बीटरूट जूस लाइए।
21 सितंबर को रिलीज हो रही है फिल्म और 21 सितंबर को ही करीना कपूर का बर्थडे है। ओह यस नाइस। 20 सितंबर को आपका बर्थडे? मेरा। ये आपने बर्थडे कब के रिसेंटली चेंज किया ना? रिसेंटली चेंज करा मैंने। ज्योतिषी से बोल के सर कुछ कर दीजिए प्लीज। ज्योतिषी ने न्यूज़पेपर में लिखा है। कुर्रा कभी लगा अब बर्थडे। अब 20 तारीख को मनाती है। अगर 21 को मनाएंगे तो बहुत क्रीपी हो जाएगा। क्योंकि कुल्लू इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। हाँ और मैं आज दरख्वास्त करती हूँ। हाँ जी को कर कि कुल्लू आप हमें समझाएं कि अभी हमने क्या देखा है किचन और वहाँ पे उनके एक पुराने एक्स आ जाते हैं और वहाँ से उनकी थोड़ी सी बातचीत होती है। ये होते हुए देख लेते हैं जयदीप अहलावत जी और उनको थोड़ा सा सस्पेंस हो जाता है। वहाँ पे आते हैं जी, एंट्री होती है विजय वर्मा जी की। विजय वर्मा जी और करीना कपूर जी दो खूबसूरत लोग अगर मिलेंगे, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में मिलें, तो प्यार के बीज उनके बीच में होना पॉसिबल है। ये अभी तक मुझे मोटा मोटा ट्रेलर से लगा है और देखने के लिए आपको 21 सितंबर को पिक्चर देखनी पड़ेगी। जाने जाए क्या बात है, आप कितना अच्छा बोलते हैं। आप Netflix, YouTube पे अपना कोई शो क्यों नहीं निकालते? बस सर आपका आशीर्वाद रहा तो कर सकते। आप 24 सितंबर को क्या कर रहे हैं? भाई साहब इसी के साथ हमको गेस करना होता है कि आइसक्रीम कौन से फ्लेवर की है। क्या आप गेस करना चाहेंगी ये कौन सा फ्लेवर है? बिल्कुल, ये आइसक्रीम है दूध में हींग का छौंका है। बिल्कुल, सूर्यवंशम में हीरा ठाकुर ने जो खीर खाई थी वाली वो है। ये वो आइसक्रीम नहीं है जिसके लिए पीटी जिंटा ने सैफ को 12:45 बजे उठाया था। ओह माय गॉड। बताओ दोस्तों क्या है आइसक्रीम का फ्लेवर? ग्रीन चिली आइसक्रीम। ग्रीन चिली आइसक्रीम। चले दोस्तों 21 सितंबर जाने जा रिलीजिंग ऑन नेटफ्लिक्स। बहुत बहुत शुक्रिया कुछा जी आपका हमारे शो पे आके आपने जो है शोभा बढ़ाई हमारे शो की। थैंक यू। और जो है आपका भी बॉलीवुड डेब्यू होने वाला है आने वाले दिनों में, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपका इतनी बुलंदी हो जाएगी हम आपको शो में ना बुला पाएं आगे से। बिल्कुल। यही मनोकामना हमारी रहेगी। भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए हम दोनों के इंस्टाग्राम को और नेटफ्लिक्स इंडिया के चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। विश मी ऑन माय बर्थडे 20 सितंबर। मिलते हैं। मिलते हैं।